इनके जो ग्रैंडफादर हैं वो है मिस्टर सतीश चंद्र, वो श्री रविशंकर जो कि बहुत फेमस सितार प्लेयर हैं उनके शिष्य हैं, तो उन्होंने ही को ट्रेन किया है पूरी तरह से इसी तरह से। तो ये था स्पेशल परफॉर्मेंस, एक बार इनको एनकरेज कीजिए जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, जोर से बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो हम इस ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, विष्णु दूता ग्रुप को, एक बार जोरदार तालियों के साथ। और इन बच्चों को एनकरेज करने के लिए हम छोटा सा गिफ्ट देने के लिए बुलाना चाहेंगे हमारे प्रेसिडेंट हिस्ग्रेस प्रेम है ना अपनों जी को, और इन बच्चों को भी जिन्होंने परफॉर्मेंस किया है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा देवांश शुक्ला जो कि लीड सिंगर थे, देवांश शुक्ला। देवांश उसके बाद बुलाना चाहूंगा शारदा अस्थाना जो कि तबला बजा रहे थे, जोर से तालियां, अभी भगवान का अभिषेक होने वाले, और जोर से पीछे वाले नहीं बजा रहे खड़े वाले सब लोग। उसके बाद है उज्जवल शरीर जो कि गोरस दे रहे थे, सार्थक अस्थाना। उसके साथ है अन्वी शरीर जो फिर कोरस दे रहे थे। उसके बाद है अमृत्य पांडे जो कैसे बजा रहे थे। उसके बाद है अर्णव पांडे जो गिटार बजा रहे थे, इतना सुंदर जोरदार ताली रही, इतना अच्छा गिटार बजा। उसके साथ अनक तिवारी जो उनके साथ गिटार बजा रहे थे एक बार। उसके बाद आराध्य जो ऑक्टोबैट बजा रहे थे, और लास्ट में खुशी जो उनके साथ गाना गा रही थी, और वानिया यादव जो सिंगिंग कर रही थी उनके साथ। और इसके साथ साथ जो दूसरा परफॉर्मेंस था सितार का, वो परफॉर्मेंस किया था श्रेयांशी चंद्रा ने जिन्होंने पेंडोलियम राग भोपली बजाया था। एक बार जोरदार ताली उनके लिए, इतने छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा बजा रहे। और उनका साथ दिया था तबले पे श्रीराज कुमार जी ने। श्रेयांशी चंद्रा जोर से तालियां, और इनके साथ कमला जी ने बजाया था श्री राजकुमार जी।